हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को जैसा कि आप जानते होंगे अभी CHSL है, NTPC है, मतलब एग्ज़ाम का भी दौर चल रहा है। एक परीक्षा देकर स्टूडेंट आता है, दूसरा परीक्षा जो है देने का फिर तैयारी करता है। और तो मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको चाहता हूँ कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन से आपको अवगत कराऊँ। और मैं कहना चाहूँगा जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों में आप अधिक से अधिक इसको शेयर करें। तो अब मैं आपको पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है बताने जा रहा हूँ। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 121 स्क्वायर cm है, इसके कर्ण की लंबाई आपको सेंटीमीटर में बताना है कितना होगा। पहला ऑप्शन है 21 है, दूसरा 20 है, तीसरा 23 है, चौथा जो है 22 है। तो हम लोग सॉल्यूशन में जाते हैं। जैसा कि ये आपका जो है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया और ये कर्ण हो गया, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला ही होता है 1/4 गुना होता है कर्ण का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल तो दिया हुआ है, क्षेत्रफल है 121 और 1/4 गुने कर्ण का स्क्वायर, तो h स्क्वायर हो जाएगा 121 गुना 4 और h स्क्वायर हटेगा तो वर्गमूल आएगा, 121 का 11 आएगा और 4 का, तो इस तरह से हमारा जो आएगा कर्ण का लेंथ, कर्ण की लंबाई 22 आएगा। हमारा ऑप्शन डी जो है इट इज राइट आंसर। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, यदि x इज इक्वल टू 10 40 डिग्री तो 2 10 50 डिग्री का वैल्यू हमें निकालना है। पहला ऑप्शन है 2/x है, दूसरा है 2 × x है, तीसरा 1/x है, चौथा है 1/2x। हम लोग अब सॉल्यूशन में जाएंगे। देखिए हमें जानना चाहिए कि 10 40 डिग्री और 10 जो है 50 डिग्री दोनों मिलके 1 देगा। 10 अगर जोड़ने से 90 आएगा तो उसका मल्टीप्लाई जो होता है दैट इज इक्वल टू 1। तो 10 40 का वैल्यू तो आप जानते हैं x है यहाँ, तो x इंटू हो जाएगा 10 50। यहाँ पर इंटू का चिन्ह में चेंज कर दिया और बराबर 1 10 50 हो जाएगा 1/x। तो मैं क्या बोल रहा था अभी, 10 40 और 10 50, 10 का जो है यहाँ ऐड करके 90 आना चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 2 tan 50। 10 50 आप जानते हैं 1/x है, मतलब आ जाएगा 2/x। तो हमारा जो ऑप्शन ए है दिस इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि x+1/x इज इक्वल टू 4 है तो x^4 है प्लस है 1/x^4, इसका वैल्यू हमें निकालना है। पहला ऑप्शन है 194 है, दूसरा 14 है, तीसरा 196 है, चौथा जो है 16 है। हम लोग अब सॉल्यूशन में जाते हैं। जैसे कि ये हमको 4 दिया हुआ है और इसका वैल्यू निकालना है, तो इसमें देखिए क्या करना पड़ेगा, एक बार स्क्वायर करना पड़ेगा और दो बार, मतलब इसका आप क्या करें, स्क्वायर करके 2 घटा दे और फिर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 14 और 194 आया।
जब ऐसा सवाल रहेगा पावर चार देकर पूछेगा तो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करके दो घटा देना है, फिर जो वैल्यू आएगा फिर उसका स्क्वायर करके दो घटा देना है। अगर मान लीजिए आठ रहेगा पावर यहाँ, तो क्या करेंगे, फिर स्क्वायर करके हम दो घटा देंगे। हमारा जो ऑप्शन ए आ रहा है, दिस इज द राइट आंसर। देखिए, तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है और उनका लॉसा मतलब एलसीएम 1800 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन है 90, दूसरा है 30, तीसरा है 120 और चौथा है 150। हम लोग अब सॉल्यूशन में जाते हैं और संख्या मान लेते हैं 3x, 4x और 5x। तो इसका एलसीएम 3, 4 और 5 का एलसीएम तो 60 हो जाएगा और तीनों में x कॉमन है और ये दिया है 1800। 60 से काटेंगे, x का मान 30 आएगा। हमको कह रहा है सेकेंड नंबर बताइए, हमको कह रहा है क्वेश्चन में कि सेकेंड नंबर, ये पहली नंबर है, ये सेकेंड और ये थर्ड नंबर है। सेकेंड नंबर है क्या हमारा, 4x, 4 गुना हो जाएगा 30 और आएगा 120। तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर है। अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।